हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट पार्ट। इफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस वन इज इक्वल टू 3xy, वर एक्स नॉट इक्वल टू वाई, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ दे रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस वन क्यू माइनस 3x इंटू वाई। अब इधर लिख सकता हूँ मैं इंटू वन। ओके, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ये आइडेंटिटी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ ए, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, और हाफ ऑफ समेशन ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम अब ये जानते हैं कि ये जीरो कब होगा पार्ट, जब ए और बी बराबर होगा, ए बराबर बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट तभी बराबर होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में इसको आप कंपेयर करो तो एक्स क्या हो गया आपका ए, वाई क्या हो गया बी, वन क्या हो गया सी। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये जीरो होने के लिए क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए। ये जीरो होने के लिए एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू वन होना पड़ेगा, बट उसने दे रखा है कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या आ गया कि ये जो पूरा रिजल्ट है, चलो एक बार लिख लेते हैं, समेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 3xy इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, और फिर ये समेशन ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, लिख लेते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये जीरो होने के लिए एक्स इजल टू वाई इजल टू वन होना पड़ेगा, तो वो तो है नहीं, तो किसको जीरो होना पड़ेगा यहाँ से, एक्स प्लस वाई प्लस वन को। सो दिस इज योर आंसर। ओके,